सोलापूर जिल्ह्यासह रामटेक तालुक्यात अनेक प्रतिभावंत विद्यार्थी आहेत। हे विद्यार्थी कठोर परिश्रम करायला तयार आहेत। त्यांना सुयोग्य संधी व वाव मिळाला तर ते मोठा पराक्रम गाजवून IAS होत लोकसेवा करण्यास तत्पर होतील, असे सांगत राष्ट्रीय पंचायत राज ग्रामप्रधान सरपंच संघटनेचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष चंद्रपाल चौकसे यांनी क्षेत्रातून IAS अधिकारी निर्माण झाल्यावरच आपणाला समाधान मिळेल, असे प्रतिपादन पत्रकार परिषदेत केलं। रामटेकमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत चंद्रपाल चौकसे यांनी विद्यार्थ्यांच्या IAS होण्यासाठी प्रतिपादन केले। यावेळी रामटेकमधील मयूर गार्डन येथे झालेल्या पत्र परिषदेत पंचायत समिती सभापती कलताई ठाकरे, PT रघुवंशी, प्रदीप दिवेवार, सरपंच विद्याताई चिखले, संजय गजभिए, मोहन सहारे आदी उपस्थित होते। तर यावेळी रोजगार निर्मितीसाठी त्यांची संघटना कोणकोणते पाऊल उचलणार आहे यावर त्यांनी प्रकाश टाकला। नागपूर जिल्ह्यात सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्यांचे संघटन बांधणार असून गाव स्वयंपूर्ण करणे हेच राष्ट्रीय पंचायत राज ग्रामप्रधान सरपंच संघटनेचे प्रमुख ध्येय आहे। गाव समृद्ध झाले तर देशाच्या विकासाला खऱ्या अर्थाने गती येईल। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी ग्राम समृद्धीचा मार्ग आपण सर्वांना सांगितला आहे। आता तोच मार्ग वास्तवात साकार करण्यासाठी नागपूर जिल्ह्यात राष्ट्रीय पंचायत राज ग्रामप्रधान सरपंच संघटना सूक्ष्म पातळीवर काम करणार असल्याची माहिती संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष तथा पर्यटक मित्र चंद्रपाल चौकसे यांनी दिली। रामटेकवरून सुषमा मर्जीवे यांची रिपोर्ट। 100 लोकांना रोजगार मिळतो। आज 200 रुपये तिकीट देऊन लोक रामटेकमध्ये ते कोणत्या देवळात जातात, पण रामधामाला 200 रुपये काय, तर त्याला एक आपण इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप केली, लोकांची नाडी आपण ओळखली आहे। लोक ते थोडा पारशी पंचायत समिती म्हटलं ते एकापेक्षा एक चांगली गाव आहे। रामटेक म्हटलं तर एकापेक्षा एक चांगली गाव आहे। अरुली आपलं विधानसभेत तिथेही सगळं काही आहे, सगळं काही आहे, फक्त त्याला जे मोटिवेशन आणि ते रूप द्यायचे आहे ते दिलं जातं। आता जसं माझे की सुपर पॉईंट आहे तर आपल्या रामटेकमधून किंवा रामटेक मतदारसंघातून आजपर्यंत एक तरी मुलगा IAS झालेला आहे। IAS, IPS, IRS नाही झालेला आहे। कारण झालेलं आहे का आपल्या इथे चांगले हां 2 वर्ष 3 वर्ष तेव्हा तरी रामटेकमधून IAS, IPS तयार होतात। अप्रैल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक कृष्णा भाऊ खोपड़े, विधायक पूर्व नागपुर। भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस पर मैं देश के करोड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं को इस अवसर पर शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जिस प्रकार से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने घोषणा की थी और भविष्यवाणी की थी कि कमल खिलेगा, और कमल 42 वर्षों में खिलते खिलते आज पूरे देश में और पूरे विश्व में आज 18 करोड़ हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और प्रयास से, उनके समर्पण से आज देश में कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं। पिछले दिनों कोरोना काल में समर्पण की भावना से, सेवा के भाव से कार्य किया, और आज देश उत्तरोत्तर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनके नेतृत्व में कार्य चल रहा है जो सराहनीय है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो श्रेय जाता है तो हमारे कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इस देश में जो है पार्टी को खड़ा करने का काम किया। कई लोगों ने इसमें अपनी कुर्बानी दी, बलिदान दिया, और हमारे हजारों कार्यकर्ताओं की बलिदान त्याग के कारण ही जो है आज पार्टी पूरे विश्व में नंबर 1 की पार्टी है। मैं इस अवसर पे समस्त कार्यकर्ताओं से ये निवेदन करूँगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए और देश में फिर से राम राज्य का स्थापना हो और ये देश सुजलाम सुफलाम की ओर अग्रसर हो, यही मैं जो है आज तमाम कार्यकर्ताओं से अनुरोध करूंगा। पुनः मैं देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं को इस 42वें स्थापना दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। अप्रैल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक समाज सेविका राजेश्वरी मांडरकर।